वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लगभग सुबह के 10:30 से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम ना बड़ा ही गजब हो रखा है। देख सकते हो आप चारों तरफ ना अच्छी सी धूप खिली हुई है। और बाकी ना आज है भैया दूज, तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने भैया दूज जो मतलब रस्म होती है वो करनी है अभी, तो बाकी उसी के लिए चलते हैं फटाफट से। और हम यहाँ पर रेडी भी हो चुके हैं पूरे, मैं तो वैसे रखी हूँ, बाकी बुआ भी हो चुकी है हमारी रेडी। बुआ तो बुआ लोग कल आ गए थे। सो कैसा लग रहा है बुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। बस अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बुआ भी पूरी रेडी हो चुकी है। भैया दूज बहुत सालों बाद यहाँ भैया दूज मनाने का मौका मिला। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बुआ का गेटअप कुछ इस टाइप से है। तो दोस्तों हमारे भाई भी पहुंच चुके थे कल, तो हमारे भाई से मिलिए। तो भाई कैसा लग रहा है फिर? कैसा लग रहा है फिर? पहाड़ों का क्या बोलना, पहाड़ तो सबको अच्छे लगते हैं, अपना घर गांव सबको अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना पहाड़। यहाँ रोजगार का साधन नहीं है, थोड़ा पलायन होते जा रहे हैं, तो थोड़ा मजबूरी है कि हमें प्रदेश जाना होता है, नहीं तो अपना गांव, तो गांव है स्वर्ग, जिसको कहते हैं स्वर्ग। आप ये देख लीजिए पूरा एक किस्म से स्वर्ग ही तो है। तो भाई आप कितने साल बाद गांव आए हो? मैं लगभग 4 साल बाद गांव आया हूँ। 4 साल अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है। वो गांव आने की खुशी इतनी हुई कि क्या बोलूँ, मन करता है यहीं रहूँ पर क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी। तो भाई मतलब कोई चीज का कमी नहीं चाहिए, लेकिन बस इधर कच्चे कि रोजगार नहीं बैक उन रोजगार कर सकती लोग, युवा लोग कर सकती, पर अभी तक टाइम का एमच। हां इतना मगज मारी इतना वो जो थोड़ा बहुत थोड़ा हो लिया। तो ये खेरे ना आप गांव का देखो, गांव का गांव खा लो ना कि कभी तीस तिवारी फरंदी लोग जन कभी दिवाली पर होली पर कभी कभार। अब तो गांव ना स्कूल भी अब लोग फूंडी पड़ान बड़े अपना लोग उठे। हाँ। लोड होता है छोटा बच्चों थे। अब गड़ल भाषा भी अब धीरे धीरे अब लुप्त होना जाने, जब तक अभी पुराना लोग जो हुई बना ची बस गड़ल है ना। हाँ। जो आजकल नए नए ब्याह कर एक फूंड लगी वो लगी वो अपना बच्चों था कभी गड़वल नहीं सिखाना चाहिए। हाँ। है ना, बस हिंदी में बात करो, हाँ जी बेटा ये वो, बस अपनी गढ़वाली कल्चर समझाओ उनको, बच्चों को गढ़वाली बोल एक बार साल में जरूर घर लाओ उनको, देखो ये हमारी परंपरा है, ये हमारे जो होते हैं गढ़वाल के बारे में पुराने लोगों से मिलवाए उनको, ये हमारी ताई है, ये हमारी बड़ी है, पुराने ज़माने में कैसे होता था, हमारी परंपराएं क्या है सब बताओ उनको। मैं तो आज की जनरेशन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी गढ़वाली भाषा को मत वो होने दो, लुप्त होने, एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब तुम लोग यही बोलोगे कि हमें समझ नहीं आती लेकिन बोलनी नहीं आती, बस यही रह जाएगा। हाँ। तो इस मामले में अपना मतलब सुधारो इस चीज़ को कि बेशक बच्चों को तुम देश विदेश कहीं भी पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, लेकिन हिंदी तो एक मैं सीख जाएगा। हाँ। लेकिन अपनी बोली भाषा उसको जरूर सिखाओ बचपन से भी, है ना। मैंने आप लोगों को बताया तो नहीं था, लेकिन मैंने ना ब्लॉग तो बनाया था उस दिन, लेकिन वो मैंने डाल नहीं पाई। तो मैंने बोला था आप लोगों को 5 साल बाद मतलब 4 साल बाद जो है भाई घर आ रहा है, तो वो लोग पहुंच चुके थे कल। और कल मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, अब थोड़ा कम बनाती हूँ अभी, थोड़ा सा मतलब पेपर ऊपर चल रहे हैं, तो उसके बाद ही देखेंगे जो होगा मतलब, है ना। तो शायद 12 के बाद मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ, मतलब अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ। और फ़ोन भी है तो उसकी क्वालिटी जो है मेरे फ़ोन की ना वो थोड़ी सी मतलब ख़राब है, क्योंकि उसमें ना वीडियो क्लियर नहीं आ रही है और ना ही ना इसमें हैंग भी मार रहा है मेरा फ़ोन, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें, तो इसलिए मुझे अब फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। तो वो करेंगे अब सीधा 12 के बाद, या तो देखते हैं बीच में अगर मैं कर दूँगी तो। यहाँ पे मम्मी घरिया दाल बना रही है आज बुआ लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पर ना बुआ बांधते हैं भाई पे, अपने भाई पे तो नहीं है लेकिन रोली का धागा।
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। थैंक यू कभी धड़का नहीं था ये तेरी गई धड़का ये निकलाना मैं मुझे बुला रहे हैं अगर पनाऊगी इसमें अरे जो पतली थी तो कब गई कौन कौन चलियो ये पते नहीं लग रहा हूँ ये इधर था सितारे भी वही है वही ये चांद भी है अगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा कि तेरी ही नजर ने दिखाए लाख रंग है तेरे बिन था ये मौसम का ना 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 रुको बाद मानी भी है कि लोग स्टेटस देखो मिलो हो रहा हमारा रे अब ये अभी तो बैकग्राउंड से चेंज करना मीम दे हां इनका। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।